बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले उठे और कैटो ने हमें उठा दिया। मॉर्निंग हो गई थी तो कैटो को सबसे पहले भूख लगी थी तो फीड डाली। फीड डाल के इसको हमने बाय बाय कहा और वज़ू किया। वज़ू करके हमने कहा कि नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं जुमात के लिए लेट हो गया था। इसके बाद मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। मजाक कर रहा हूँ यार, हमें ना एक चैलेंज मिला है वेट लूज़ करने के लिए, तो 90 डेज़ वाला चैलेंज है। इसके बाद हमने शूज़ पहने और शूज़ पहन के हम वॉक के लिए निकल पड़े घर से सीधा। हम पार्क का व्यू दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। लाइटें जल रही थी अभी और 5 बजे का टाइम था, तो हम पहुंचे अपना पार्क। और ये मैं हूँ और ये मेरा साया है। जो जो मेरे चैनल पर आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करे। इसके बाद हमने वॉक स्टार्ट की और वॉक के साथ साथ अल्लाह मियां ने बहुत ही प्यारी और ठंडी हवाएं चलाई हुई थी। दरख्त के पत्ते भी बहुत ज़्यादा हिल रहे थे और हमें भी वॉक स्टार्ट की है। तो अब ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये भी एक चैलेंज हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो ज़रा वॉक स्टार्ट करें। फिर इसके बाद हमने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वॉक स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने वॉक स्टार्ट की है और लाइटें अभी जल रही थी और बहुत ही प्यारा मंजर था और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और अभी हमें पसीना आना स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी ये पहला शॉट था, उसके बाद थोड़ा सा पसीना आया और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो हवा है वो दिल को सुकून दे रही है। और सुबह की ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इंसानी सेहत के लिए। तो उसके बाद हमने वॉक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करनी स्टार्ट कर दी, और इसलिए कि ताकि वेट ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ कर सकें और अपने जो है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का जो चैलेंज है वो पूरा कर सकें। और इसके बाद दूसरा शॉट लिया ताकि अब आपको दिखा सके कि वो हम मेहनत करनी स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वॉक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वॉक करने के बाद अब मैं थक चुका हूँ और मुझे पसीना है इधर सा कहा चुका है। मेरी पूरी की पूरी शर्ट जो है वो भीग चुकी है पसीने के साथ और ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं और हमने अपने शर्ट को पसीने से भर लिया। मील डेढ़ के वॉक बहुत ज़्यादा कर ली। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज की तरफ आए हैं, तो हमने पहले जंपिंग की है, जंपिंग के बाद ये पेट की गेम लगाई है और आप देख रहे हैं मेरा पसीना जो है वो शर्ट भीग चुकी है पूरी और ट्राउज़र भी गीला हो चुका है। ये हमारे पेट का निज़ाम आज ही सेट होना शुरू हो गया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हमने कितना वेट लूज़ किया। उसके बाद हम अपने फार्म पहुंच गए हैं क्योंकि मैंने मुर्गियां रखी हुई हैं, उनको जाके खोला है, खोल के दाना पानी डाला है ताकि वो दाना पानी खा सकें और दवाएँ ना दें। क्योंकि उसके बाद हमने अपने परिंदों को देखा, क्योंकि ये मौसम में बरसात बहुत गंदा मौसम है तो इसमें बीमारियाँ वगैरह और ऐसी बीमारियाँ आती रहती हैं जिससे मुर्गियाँ मुतासर होती रहती हैं। उनको बाहर आ रहा भी डब्बा ऐसा मसला तो नहीं है, किधर गया फिर? जो बच्चा है वो चल अंदर जाके ले दाना पा गया और मुर्गियों को सब जगह दाना ही डालना ताकि एक बार काट दी, जो असीले हैं वो अपना खा सकें और जो देसी हैं वो अपना खा सकें। और ये मेरी देसी मुर्गियाँ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय वगैरह कर रही हैं क्योंकि आज मौसम बहुत ही प्यारा और हसीन है। और ये जो रूस्टर साहब है वो भी फुल इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने शेड को लॉक किया और बकरी को टाटा किया और इकट्ठे को बाय बाय कहा और गांव से सलाम लिया और घर